आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. सब्जेक्ट है पावर सिस्टम सेकंड EE307. टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. तो क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि किस तरीके से वर्गीकृत किया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन्स को, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होती है कि एक मीडियम है जो कि जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर्स को कनेक्ट करता है. और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो है, ये वोल्टेज तथा लेंथ के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड कर रखा है. तो मेनली जो क्लासिफाइड कर रखा है वो दो भागों में कर रखा है, एसी ट्रांसमिशन लाइन और डीसी ट्रांसमिशन लाइन. अब जो एसी ट्रांसमिशन लाइन है इनको अगेन दो भागों में, तीन भागों में डिवाइड किया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. कौन सी है? एसी ट्रांसमिशन लाइन को तीन भागों में विभाजित किया है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. अब जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है वो, इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, इस 80 किलोमीटर के, अप टू 80 किलोमीटर के लिए जो होती है उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन दी है. अब जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसको अगेन दो भागों में सब डिवाइड किया है, जो है पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और टी मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. फिर लास्ट जो है वो है डीसी ट्रांसमिशन लाइन. तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसी ट्रांसमिशन. एसी ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है और शंट लीकेज कंडक्टेंस जो है जी, ये चारों जो कंपोनेंट्स है आर एल और सी एंड जी, ये चारों जो कंपोनेंट्स है जिनको हम एसी में कंसीडर करते हैं. क्योंकि ये तो सभी को पता है कि जो डीसी ट्रांसमिशन होता है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस जो है कंपोनेंट कनेक्ट होता है, बट इन केस ऑफ एसी ट्रांसमिशन आर एल सी एंड कंडक्टेंस जी, ये चारों पिक्चर्स में आते हैं. इन चारों पैरामीटर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हम लाइन कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं. किस क्या है लाइन कॉन्स्टेंट्स? आर एल सी एंड जी, कंडक्टेंस. ठीक है, तो इन जो पैरामीटर्स हैं ये लोड और ट्रांसमिशन लाइन को डिटरमाइन करने के लिए काम में लेते हैं. तो अब ये कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो लोड और ट्रांसमिशन लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, परफॉर्मेंस को कंसिडर कर डिटरमाइन करने के लिए काम आते हैं? तो ये परफॉर्मेंस क्या होती है? सेंडिंग एंड वोल्टेज है, सेंडिंग एंड करंट्स है, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर है, पावर लॉस इन लाइन्स है, एफिशिएंसी है, ये सब जो है ये सारे किस में आते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. क्या क्या है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन? करंट, सेंडिंग एंड करंट, वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, पावर फैक्टर, पावर लॉसेज, एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन लाइन रेगुलेशन, और ये जो सारी चीज़ें हैं किस में आ रही है? परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. और इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ये पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं, वो क्या है? आर एल सी एंड जी, इनकी सहायता से ये हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. तो कंपैरिजन चार्ट इसमें आगे मैंने बता रखा है ट्रांसमिशन लाइन का. जैसे ये बताया है मैंने कि ये ट्रांसमिशन लाइन्स है. ट्रांसमिशन लाइन को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एसी ट्रांसमिशन लाइन और डीसी ट्रांसमिशन लाइन. जो अब एसी ट्रांसमिशन लाइन्स जो है तीन भागों में विभाजित हुई है, शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन. अब जो मीडियम ट्रांसमिशन है इसको वापस से दो भागों में डिवाइड किया है, पाई मॉडल और टी मॉडल ट्रांसमिशन लाइन. और ये जो डीसी ट्रांसमिशन है इसके कोई सब डिवीज़न नहीं है. ठीक है, तो अब जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन है वो अप टू 80 किलोमीटर के लिए कंसिडर होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है मोर देन 80 किलोमीटर्स के लिए, और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन है वो मोर देन 240 किलोमीटर्स के लिए यूज़ होती है. तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे. तो ट्रांसमिशन लाइन अगर हम अप टू या फिर मोर देन 80 किलो वोल्ट के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए कंसिडर करते हैं. वोल्ट का क्या है? 80 केवी, मोर देन 80 केवी, और बिटवीन मोर देन 66 केवी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अप टू 80 केवी होना चाहिए. और लेंथ भी जो है वो भी 80 किलोमीटर हो सकती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर. ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं. अब जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके अंदर हम जो कैपेसिटेंस कंपोनेंट जो है, जैसे एसी के अंदर मैंने बताया था कि आर एल सी एंड जी जो है हमें
परफॉर्मेंस ऑफ लाइन को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, बट इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम जो कैपेसिटेंस होता है उसे नेग्लिजिबल मानते हैं. क्यों मानते हैं? फॉर द केबल वेयर द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इज स्मॉल, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है. इस वजह से हम सिर्फ आर और एल को ही पिक्चर में लेते हैं, कंसिडर करते हैं टू परफॉर्म कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और जो कैपेसिटेंस है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं. वाइल स्टडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन, ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ लाइन विल बी कैलकुलेटेड. तो जैसा कि मैंने बोला कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर हम सिर्फ आर और एल का मान ही ज्ञात करते हैं टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और कैपेसिटेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं. तो इसका डायग्राम मैंने बना के बताया, जैसे एसी सोर्स लगाया है, इसमें एक आर को जोड़ा है, सीरीज में एल जोड़ा है इंडक्टेंस, और एक लोड जोड़ा है. तो ये किसका डायग्राम हो गया? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटेंस है उसको हम पर ने अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन विल कंसिडर नहीं किया, नेग्लिजिबल माना है, क्योंकि उसका मान इतना कम होता है कि उसको कंसिडर नहीं करते हैं. और एल आर और एल की सहायता से हम ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो रेंज होती है वो 80 किलोमीटर टू 240 किलोमीटर की को हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं. और इस केस में हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है. ठीक है, तो इसका और ये मान के चलते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो एक पॉइंट से ट्रांसमिशन के सारे पॉइंट पे इक्वली लम्ब्ड है. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ लाइन मोर एट हाई फ्रिक्वेंसी एंड देयर लीकेज इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल. तो इस केस में हम कैपेसिटेंस को तो कंसिडर करते हैं, बट जो कंडक्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सब डिवाइडेड इंटू पाई मॉडल एंड टी मॉडल. अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पाई मॉडल एंड टी मॉडल. तो जो पाई मॉडल है, इन नॉमिनल पाई मॉडल इट इज़ अज्यूम दैट हाफ ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड एट द ईच एंड ऑफ द लाइन कॉन्सेंट्रेट एट द ईच एंड ऑफ लाइन. अपन मान के चलते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पे इक्वली हाफ डिवाइडेड है. तो सी जो है फुल कैपेसिटेंस जो है वो आधा एक एंड पे सी बाय टू और आधा दूसरे एंड पे सी बाय टू. ठीक है, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड, ये रिसीविंग एंड है जहाँ पे सप्लाई को रिसीव करते हैं, और ये सेंडिंग एंड है जहाँ पे सप्लाई को सेंड करते हैं. तो एसी सोर्स जोड़ा है, कैपेसिटेंस को सी बाय टू दोनों एंड्स पे डिवाइड कर दिया है, और सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है वो आर और एल हो जाएगा. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये पाई मॉडल बन रहा है, ये पाई का सिंबल बन रहा है इस तरीके से, इस वजह से इसको पाई मॉडल बोला है. तो अब बात करते हैं हम नॉमिनल टी मॉडल की. इन केस ऑफ टी मॉडल अज्यूम दैट द कैपेसिटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ लाइन. ठीक है, तो जो सी है वो सेंटर ऑफ लाइन, जैसे पहले रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पे जो कैपेसिटेंस था वो डिवाइडेड था, बट इसके इन केस ऑफ टी मॉडल द जो कैपेसिटेंस है वो सेंटर पे कनेक्टेड है जो फुल सी है. ठीक है, और ये रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो है वो डिवाइड हो गए आर बाय टू एल बाय टू आर बाय टू एल बाय टू एट द एंड ऑफ रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड पे. ठीक है, तो ये किसका मॉडल हो गया, टी मॉडल. टी मॉडल जैसे टी मॉडल बन रहा है, ये टी का सिंबल बन रहा है ऐसे, इसलिए ये टी मॉडल हो गया. ठीक है, तो नॉमिनल पाई और टी मॉडल समझ में आ गया हमें कि हम क्या कर रहे हैं. पाई में सी बाय टू कंसिडर कर रहे हैं, और टी मॉडल में फुल कैपेसिटेंस ले रहे हैं, बट आर और एल का मान डिवाइड होता जा रहा है. और इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन किस में ले रहे हैं, मोर देन 240 मीटर किलोमीटर के लिए हम कंसिडर करते हैं, और इसमें चारों पैरामीटर्स आर एल सी और लीकेज कंडक्टेंस जी को फाउंड टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ लाइन. अपनी मान के चलते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आर एल सी और जी चारों जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ लाइन. पूरी ट्रांसमिशन लाइन पे चारों कंपोनेंट इक्वली
डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उसे हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो जैसे कि इससे समझ में आ रहा है कि पहला जो है जिसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसमें एक कंपोनेंट कंसिडर नहीं करते हैं, वो होता है सी, और सिर्फ दो कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, आर और एल। फिर नेक्स्ट जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मीडियम की तरफ, तो उसमें देखते हैं हम कि आर एल सी तीनों कंसिडर करते हैं, और लॉन्ग ट्रांसमिशन पे आते आते हम चार कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ सकती है हमें इजीली इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमने आर एल और शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस, तो जैसे कि हमें पता है आर और एल जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, और शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये एक एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, और तीसरा कॉम्बिनेशन कर दिया। और ये जो कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और वोल्टेज ये बढ़ते चले जाते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है कि हमने तीन ले रखा है, और ये जो है वो वन शॉर्ट सेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बताया, जिसमें आर एल सी ओ जी चारों कंपोनेंट बताया है। मतलब कहने का मतलब ये जो पूरा डायग्राम है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का है, बट ये जो शॉर्ट सेक्शन है इस सेक्शन को अगर अपन स्टडी कर लें, इस सेक्शन के थ्रू अगर हम परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर लें और उसको एडेड बाय टू कर लें, तो इस लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इजीली कैलकुलेटेड हो सकता है। अब बात करते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन की। डीसी ट्रांसमिशन इज़ मेनली यूज फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन। जैसे कि हमें पता है कि हमें जब बल्क पावर ट्रांसमिट करना होता है तो हमारे लिए डीसी ट्रांसमिशन जो है कम महंगा रहता है, और इसमें जो लॉसेस भी होते हैं कंपैरेटिवली एसी ट्रांसमिशन के बजाय डीसी में कम होते हैं और कम एक्सपेंसिव होता है फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन अलॉन्ग फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। द कॉस्ट ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ हाई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज इट रिक्वायर मोर कन्वर्टेबल इक्विपमेंट एज़ कम्पेयर टू एसी। मतलब इस ये कम महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये मैंने एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन बताया है डीसी सिस्टम का, जिसमें हमने एक फर्स्ट पावर ग्रिड और नेटवर्क बनाया है, ठीक है, जिसमें एसी सप्लाई मिल रही है, ठीक है। फिर हमने एक कन्वर्टर स्टेशन लगाया। कन्वर्टर स्टेशन में जैसे इन्हें जैसे ये लगा रखे हैं मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, एचवीडीसी ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है। ये एक कन्वर्टर स्टेशन, अगेन एक कन्वर्टर स्टेशन लगाया जिसमें ट्रांजिस्टर और एचवीडीसी रेक्टिफायर्स जिसको बोलते हैं एचवीडीसी ट्रांसफार्मर्स बताया है, ठीक है। और अगेन एक सेकंड पावर ग्रिड नेटवर्क है, दो पावर ग्रिड को ये कनेक्ट कर रहा है थ्रू द कन्वर्टर स्टेशन, ठीक है। तो इसमें एसी को ये कन्वर्टर स्टेशन डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वापस डीसी मिलेगी, उस डीसी को ये डीसी कन्वर्टर स्टेशन से ये वापस एसी में कन्वर्ट करके सेकंड ग्रिड स्टेशन को पहुँचा देगा। तो कहने का मतलब ये है कन्वर्टर स्टेशन जो है कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में एट सेंडिंग एंड, ठीक है। ये सेंडिंग एंड है जिसमें ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, एंड जो डीसी को एसी में, यहाँ पे डीसी मिली, ये डीसी वापस यहाँ आ रही है, इस डीसी को वापस एसी पे कन्वर्ट कर रहा है एट लोड एंड पे। ये लोड एंड है, ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड को हम लोड एंड बोलते हैं। तो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम इज दैट अलाउ द पावर ट्रांसमिशन बिटवीन टू अनसिंक्रोनाइज एसी सिस्टम। तो कहने का मतलब दो अनसिंक सिस्टम ग्रिड सिस्टम है, एक ये है एक ये है, दो अनसिंक्रोनाइज एसी सिस्टम्स के बीच में हम डीसी सिस्टम लगा के ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इस वजह से हम डीसी सिस्टम का प्रयोग करते हैं फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, या फिर लॉन्ग बल्क पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम डीसी ट्रांसमिशन लेते हैं, क्योंकि इसके बहुत से ऐसे एडवांटेजेस होते हैं। इसमें लॉसेस कम होते हैं, स्किन इफेक्ट नहीं होता है, कोरोना इफेक्ट नहीं होता है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं इन केस ऑफ डीसी, क्योंकि इसमें आर एल एल और सी और शंट
कंडक्टेंस जी नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, थैंक यू।